हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। तो जी, आज है नवमी और बड़े धूम धड़ाके से हमारे यहाँ पर नवमी पूजन होता है, दिखाएंगे आपको। तो जी, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से पाल फैमिली ब्लॉग्स में। और अभी तैयारियाँ हो गई हैं, सुबह तो है नहीं इतनी, अब तो दोपहर होने वाली, 10 बज गए। और ये देखो, सब्जी कटिंग चल रही है यहाँ पे, कड़ी बना दी, ये गोभी की सब्जी और बनेगी, रोटियाँ जो हैं वो तुरंत सेक ली जाएगी जब कोई भी खाएगा। तो जी, अभी खाना वाने का सेटिंग सुबह ही हो जाएगी, उसके बाद में पूजन की तैयारी। काम तो कर ही रही है आज, लेकिन आधे काम मुझे बता रही है, और इसका कारण ये है कि अंगूठा फुकवा लिया। तो जी, फपोला पड़ गया हाथ में, अंगूठे पर, एक उंगली में, ये देखो। और अंगूठा फूकने की वजह से ये काम मुझे मिल गया, सुबह से बता रही बार बार ये कर लो और वो कर लो। खैर, इतना ज़्यादा तो है नहीं, काम करने लायक तो है उंगलियाँ भी। और ये गोभी मैं काट रहा हूँ, ये मुझे कटिंग का काम मिला। और ये देखो, ये जो एक्स्ट्रा इसकी लीफ है ना गोभी की, ये जब महंगी होती है गोभी, जब तो हम इन्हें सब्जी में यूज़ करते हैं, बना लेते हैं इनका छिलका विलका उतार के, पत्ते वगैरह। और जब ये सस्ती हो जाती है तो केवल ये बीज वाला फूल ये बनता है। और मैं तो यही देखता रहा हूँ, मैंने कई जगह देखा है, जब गोभी महंगी होती है तो ये भी यूज़ करते हैं, और सस्ती होती है तो केवल ये देखो बीच वाला फ्लावर। तो जी, चलो अभी से फटाफट कटिंग कर दूँ, क्योंकि ये मदद तो मुझे करवानी पड़ेगी आज, वो अंगूठा जलाना थोड़ा सा। और ये रात की बात है, 10 बजे की, दूध गर्म करके मुझे ही दे रही थी, तो ये ब्लेम मेरे ऊपर ही आया, इसलिए मुझे ही संभालना पड़ रहा है, नहीं तो कोई बात ना थी। यहाँ पर नवमी के प्रसाद की तैयारी प्रक्रिया चालू हो गई है, और ये बन रहे हैं फल, और ये बनते हैं आटे के मीठे फल। गुड़ के बनते हैं ये, लेकिन गुड़ तो अवेलेबल होता नहीं है, चीनी डाली होगी मेरे ख्याल से। देसी घी में तले जाते हैं ये, कढ़ाई यहाँ पे छोटी रखी, और फल बहुत सारे हैं, तो बड़ी कढ़ाई में अगर बनाते तो जल्दी बन जाते मेरे ख्याल से। बड़े वाली में कढ़ी रखी है कढ़ाई में, और एक और कढ़ाई लाने की बहुत दिन से प्लानिंग चल रही, लेकिन वो ला नहीं पाए अब तक, ऐसा मौका ही नहीं लगा, लेकिन कढ़ाई लावांगे जरूर एक ना एक दिन। जब आप दुकान पर गए थे तो खील पतस्से के नहीं लाए? बस मैं सोच रहा था, मगर पूछ के आऊँ पहले कितने ग्राम लाने, खील और बतासे उनका प्रसाद भी लाना था। मुझे याद आ गया था, दुकान पे देखते थैली रखी थी वहाँ पे पैक हुई प्रसाद की, तो मैंने सोचा भाई पहले घर पूछे हूँ, कभी वो लाना आ जा, फिर तो अपने मन से अपने हिसाब से ले जा, और वहाँ पे कुछ और ही बताया जा, तो इसलिए नहीं लेके आया था मैं। जब हम वहाँ मार्केट में जाते वहाँ तो मिले नहीं थे उस दिन, तो गाँव में आज तो आ ही रहे होंगे, तो आप ध्यान तो देते, जब बुढ़ाना नहीं मिले थे यहाँ तो ले लूँ, अब दोबारा जाइए। ये देखो, प्रसाद का ब्लेम भी मेरे ऊपर ही, मतलब सारे ब्लेम इधर उधर के जो भी चीज़ें रह जाती हैं मेरे ऊपर ही आते हैं। जारवीर गोगा माड़ी, जो हमसे लगभग 1 किलोमीटर दूर है यहाँ से, वहाँ पे जाएंगे फिर पूजा करने। और मैं आपको बता दूँ, बॉबी और संजय भी आने वाले हैं, कन्नू के लिए निशान और प्रसाद बोल रखा है इसने, बबली ने, तो उनकी भी पूजा करवा देंगे, और वो भी काम हो जाएगा। तो यहाँ पे फिलहाल फल चल रहे हैं, फल। अब इन्हें फल क्यों कहते हैं ये तो मुझे पता नहीं, अब सब कहते हैं तो मैं भी कह रहा हूँ ये फल ही हैं। आटे से बनने, आटा और इस शेप में बनते हैं ये, आटे के मीठे बनते हैं, और ये तले जाएंगे यहाँ पे, और भून के जब तैयार हो जाएंगे ये हो जाएंगे रेडी। तो जी, थोड़ा सा एडवांस में फास्ट चल रहा है काम सुबह से ही आज, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है शाम तक का इसलिए। और फिर जो है हमारी सांझी माई दुर्गा, उनका विसर्जन भी है, वो भी करके आना है दरिया में, दरिया में होता है वो, लेकिन दरिया क्या, चलता हुआ दरिया तो है नहीं यहाँ से, बहता हुआ रुका हुआ दरिया है यहाँ गांव में। थोड़ी थोड़ी सी परछाई है अभी छाँव की यहाँ, और जब तक ये काम हो जाएगा, नहीं तो धूप आने लग रही है, और ये जो पेड़ है ना बहुत छाया देता है यहाँ पर, सुबह सुबह चूल्हे के सारे काम निपटवा देता है छाया छाया में। वैसे सर्दी आने वाली है, धूप में भी अच्छा रहेगा यहाँ पर, जब धूप में खाना बनाते हैं ना तो कुछ चूल्हे की गर्मी और कुछ धूप की, मतलब सर्दियों में अच्छी लगती है। कढ़ाई है हमारी, जन्म जन्मांतर से काली है, ये सफ़ेद नहीं हुई है, इसे बहुत घिसाई कर ली इसकी धोने मांजने में, तो इसमें कुछ और लगाना पड़ेगा जिससे कि ये जो इसकी कालस है वो उतर जाए, उतरी नहीं है। इसे मैं रखता था जब खाना बनाता था, बाहर रहता था, और ये बन गए। तलने के बाद ऐसे हो जाते हैं बिल्कुल करारे क्रिस्पी, और बच्चे बहुत पसंद करते हैं ना खाने में। पहले वाले बच्चे तो बहुत पसंद करते थे जब हम बच्चे थे, अब तो एक आदि करता है, बच्चों को ऐसी चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहा है आजकल,
जो भी पारंपरिक फूड होते हैं ना, ट्रेडिशनल फूड, वो कम ही खाते हैं। ये फ्राइड, फ्रोजन, ये वाले फूड पैकिंग के ये ज़्यादा पसंद करने लगे हैं। और ये सब देखा देखी है, क्योंकि जब ऐड चलते हैं ना, एडवर्टाइज आता है, बच्चे देखते हैं तो उन्हें लगता है ये बिल्कुल सही है। जैसे कि कुछ मीठा हो जाए, आप समझ ही रहे होंगे, जब टीवी पे बोलता है कोई कि कुछ मीठा हो जाए और वो दिखाता है खा के कि मीठा क्या है, तो बच्चे और बड़े सभी समझते हैं कि यही मीठा बेस्ट है। लेकिन मीठे में गुड़ से ज़्यादा बेस्ट कुछ नहीं होता। तो ये तौर तरीके बदलते जा रहे हैं अभी फ़िलहाल। ये है वो निशान, इस तरह से बांधते हैं। ये हमारे पड़ोसी उपाध्याय जी ये बांधेंगे ना, और जी इसमें मोर पंख बनते हैं और बीजने लगेंगे हाथ वाले पंखे, नीला कपड़ा और एक छड़ी के साथ में। और इसकी पूजा होगी यहीं से, घर से ही पहले तो, और फिर वहाँ जाके होगी। तो दो जगह इसकी पूजा, एक तो घर से ही करके चलते हैं यहीं से, और ये बताएंगे सब कुछ कैसे कैसे होती है। और माँ को पता होगा क्योंकि वो हर साल तो करती ही है। और ये कन्नू, कन्नू भी निशान चढ़ावेगा, ये भी देख रहा, और ये उत्सुकतावश देख रहे हैं कि ये भाई क्या है, क्योंकि इन्होंने पहले नहीं देखा है। देखा भी होगा तो ये इतने छोटे होंगे, ये जानते नहीं होंगे क्या है। माता श्री लग गई है प्रक्रिया में पूजा की। तो जी फाइनली वो टाइम आ गया है पूजा पाठ करने का, गुग्गा जी महाराज पे निशान चढ़ाने का, और हमने उठा लिए। ये होते हैं जी निशान, ये देखो बांधते हुए हमने दिखाई दिया था। 1 किलोमीटर लगभग यहाँ से पद यात्रा है, तो पैदल जाएंगे सारे बच्चे। इसे बंदूक दवाइयों, क्या दवाइयों? तो जी चलने से पहले एक बार जयकारा लगाएंगे, बोलो गुग्गा जी महाराज की जय। जारवीर बाबा जी की मदद, मदद बोल लग रहा है, जय नहीं बोलते। अच्छा। है ना मौसी जी? सारे वहां बोलते होंगे मदद। चलो 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 भाई, चलो भाई, चलो भाई करते हैं। और खील पदस्सों का प्रसाद ले लिया, ये देखो, और 51 रुपए का है ये। और देखो ये फैसिलिटी भी है फोन पे की, अगर कैश ना हो तो इससे पेमेंट कर सकते हैं। ये कर दिया डिजिटल तरीके से पेमेंट। कुल मिला के है कि हमारा गांव जो है बहुत ही टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है, ये मत समझियो। और ये है हमारे गांव का मंदिर, अभी दरवाजे बंद है। और वो देखो हम प्रसाद लेने में रह गए, और वो थोड़ी सी दूर निकल लिया हमसे, लेकिन कोई बात नहीं, मैं और आरुष अभी झपट के पकड़ लेंगे उन्हें। पहुंच गए यहाँ पे, और ढोल भी बज रहा है। ये आयुष, आयुष कौन कौन आ रहा है भाई? और ये देखो आयुष के बहन और भाई दोनों जुड़वा, और ये भी पूजा करने के लिए आए हैं। आयुष को कई बार देख चुके हैं आप वीडियो में, और उससे छोटे हैं ये दोनों बहन और भाई जुड़वा, दोनों बहन भाई। इनमें सिर्फ 1 मिनट का फर्क है, और आप समझ सकते हैं कि कौन छोटा है कौन बड़ा। अरे अपना नाम तो बता दे यार, मैं भूल जाऊँ बार बार। है भाई विराज, ओ विराज नाम बता दे भाई अपना। ढोल ले रही नंदनी के लिए, और ढोल 50 रुपए का बताया, बड़ा 60 का है। वैसे बजाने की तो यहाँ है नहीं, कुछ और ले ले, बतेरी चीज है यहाँ तो। आ लिया आओ। यहाँ पे 10 रुपए वाली आइसक्रीम मिल गई, तो सब ने वही खाई, और ये बढ़िया है 10 वाली सबसे। कन्नू खा नहीं रहा,
ये खा ही नहीं रहा है ऐसे दी नहीं। अच्छा घर खाओगे ले जाके। देखो जी पूजा पाठ करने के बाद और वहाँ पे जो छोटा सा मेला लगा हुआ था ना उसमें टॉयज थे और आइसक्रीम भी थी और कई सारी चीज़ें थी। तो ये जो झोला है ये सबके कंबाइन है, इसमें टॉयज मतलब इकट्ठे ही भर रखे हैं सबके। तो जी अब सबको ये डिस्ट्रीब्यूट कर जाएंगे जिस जिसके हैं। तो सबसे पहले तो ये गनमैन को दे दो, नहीं ये राड करेगा। सुनो और उसी के लिए क्या ट्रैक्टर है, चल मैं देंगे अपने आप ईमानदारी। पहले चल बंदूक ले ले, ट्रैक्टर बाद में लियो। और ये स्कूटर किसका? आरुषि का। ये आरुषि का है स्कूटर। ले एक कन्नू का ट्रैक्टर। कन्नू ले ट्रैक्टर। और ये टेडी मेरा। ये है माई का। और ये ढोल है नंदिनी का। डम्मक 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 भाई ढोल बजाओ, ढोल बजा के दिखाइयो भाई। और इसने तो स्कूटर ले लिया, स्कूटर आर उसी ने स्कूटर छोड़ के ढोल पे चली गई। ये होगी बड़ी भैया। अच्छा गुड्डू इसकी पजल है, उसकी पजल है। और जय माता दी। और इसका प्रसाद है ये फल गोभी का। ढोल की ओपनिंग कर दी यहीं पे अभी, अनबॉक्सिंग। हटी आर उसी ओ डमक 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 होशियार खबरदार नंबरदार। मोटर बोट है एक, दिखाइयो नंदिनी बजाइयो। और एक ढोल इसे चाहिए अब। तो देखिए जी अभी हमारी नवमी पूजा हो चुकी है और हम लोग घर सारे के सारे आ गए हैं। अब हमारी संजी का विसर्जन होगा। संजी माता जो है आज चली जाएगी और फिर डेली से हम वही माता रानी की नॉर्मल पूजा करेंगे। तो माता रानी का घी बूरे का भोग लग चुका है, अभी माता रानी को इस थाली में रखते हैं और इन्हें लेकर जाएंगे अरविंद भैया और माँ। और ये खील पतासे और नोरते माता रानी के साथ में जाते हैं प्रसाद के रूप में और भोग लग चुका है ये देखिए। तो जी चलिए आप सब भी और हम सब भी माता रानी को विदाई दे देते हैं। तो सब बोलो, बोलो सच्चे दरबार की जय, बोलो जय माता दी, जय माता दी। माता रानी फिर से हमारे घर में आए जल्द ही, और मतलब कि संजी माता फिर से ठीक ठाक सब कुछ रहे, पूरी दुनिया में सुख शांति रहे और सब बीमारियों से सबको मुक्ति मिले। तो बस जी हम तो माता रानी से यही प्रार्थना करते हैं और जोर से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, जय माता दी। चलिए जी लेकर चलते हैं और माँ को सौंप देते हैं माता रानी को।